वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल संगीता चौधरी ब्लॉग। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे मेरी तरह। मैं भी बच्चे हूँ। बस थोड़ा आज मुझे थोड़ा सा हल्का हल्का फीवर है, क्योंकि मौसम में ठंड और गर्म सी बनी हुई है, तो जिस कारण थोड़ा तबीयत ठीक नहीं चल रही है। इस टाइप के मौसम में बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, तो आज मुझे भी थोड़ा थोड़ा फीवर फील हो रहा है और हेल्थ मुझे सही नहीं लग रही है अपनी। सो मेडिसिंस वगैरह मैंने दोपहर के टाइम ली थी, बट अभी थोड़ा सा पहले से बेटर है। तो इवनिंग के 4:30 हो चुके हैं, तो व्लॉग भी बनाना था, तो व्लॉग बनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि अब मैंने आपको डेली व्लॉग प्रोवाइड करवाना है। तो इसीलिए फिर मैंने स्टार्ट किया वीडियो बनाना, क्योंकि आज मैंने वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि आज कुछ इंटरेस्टिंग हुआ, तो इसीलिए मुझे वीडियो बनाना ज़रूरी मैंने समझा। तो आपको वो इंटरेस्टिंग चीज़ बताने से पहले मेरे जो काम है पहले मैं वो फिनिश कर लूँ। जैसे कि अभी इवनिंग का टाइम हो चुका है, तो मुझे अभी चाय बनानी है पहले, तो चाय भी साथ साथ बनेगी और आपसे बातें भी होंगी। सेम डेली की तरह देखिए मेरा सीरियल आ रहा है इस टाइम पे। ये सीरियल मेरा कभी मिस नहीं होता, मुझे बहुत पसंद है ये सीरियल। आप देख सकते हो आज भी ये सीरियल चल रहा है। एक्चुअली मेरा व्लॉग बनाने का टाइम ही यही है, इवनिंग टाइम ही मेरा व्लॉग बनाने का रहता है, क्योंकि मुझे घर आने में 3:30 के अराउंड या 3:45 ऐसे हो जाता है। तो उसके बाद खाना खुना खाने के बाद, थोड़ा रेस्ट करने के बाद यही टाइम होता है मेरे पास व्लॉग बनाने का। तो इसलिए ये सीरियल डेली चल रहा होता है जब भी वीडियो बनती है मेरी। बन रही है इस टाइम, मैंने रख दी है चाय। बस चाय दो चार मिनट में रेडी हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर ज़्यादा लगेगा तो हार्डली 5 मिनट्स के अराउंड ही चाय को लगेंगे, उससे पहले ही रेडी हो जाएगी। चाय को मैंने रख दिया है, जब तक इसमें उबाल आएगा तब तक हम वेट करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट है। सो कहने का मतलब मेरा ये था कि बहुत लोग होते हैं जो हमें भूल जाते हैं, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमें हमेशा याद रखते हैं। तो उन्हीं में से एक स्टूडेंट है मेरा, जो आज से 5 ईयर्स पहले जिसने प्लस टू की थी। तो आज हम तो स्कूल उस टाइम घर पे नहीं थे, बट स्पेशली टीचर्स डे के लिए उसने मुझे एक प्रेजेंट भेजा। खुद ही वो बच्चा घर पर आया और उसने एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट मुझे दिया टीचर्स डे पे, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही खुशी हुई ये देखकर कि स्टूडेंट्स हमें याद रखते हैं। अगर आप अच्छे हो, आपने अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करवाते हो, अच्छी बातें बताते हो, सो वो आपको हमेशा याद रखेंगे। तो उसी का एग्जांपल है कि आज वो स्टूडेंट ने मुझे घर पर आकर इतना अच्छा मुझे गिफ्ट दिया। बट ये कि टाइम की शॉर्टेज होने के कारण वो मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन फ़ोन पर मेरी बात ज़रूर हुई। तो स्टूडेंट का नाम भी मैंने आपको बताना है, बट उससे पहले मैंने आपको उसका प्रेजेंट दिखाना है कि कितना अच्छा गिफ्ट उसने मुझे दिया है। सो ऐसे स्टूडेंट्स सारी जगह होते हैं, सभी स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं, बस उन्हें अगर गाइड अच्छे से किया जाए तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। देखिए ये गिफ्ट उसने मुझे दिया आज, तो बड़ी अच्छी फीलिंग्स आई कि आपको स्टूडेंट्स आपके याद रखते हैं हमेशा। जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो आपको हमेशा याद रखेंगे, वो कभी नहीं भूलेंगे। तो बड़ा अच्छा लगा आज मुझे कि स्टूडेंट ने मुझे इतना अच्छा प्रेजेंट दिया। तो आपको मैं दिखाऊँ अगर प्रेजेंट, तो देखिए ये देखिए, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये गिफ्ट कैसा लगा। मुझे बहुत ही अच्छा गिफ्ट लगा। आप अगर देखो तो बीच में गणेश जी की एक मूर्ति लगी हुई है, एंड साइड में ये फ्रेम्स बने हुए हैं जहाँ पर आप अपनी पिक्चर्स लगा सकते हो। तो इस फ्रेम को मैंने ज़रूर यूटिलाइज़ करना है, अच्छे से यूज़ करना है, अपनी पिक्स लगाकर मैंने इसको ज़रूर घर में लगाना है, क्योंकि इतना अच्छा प्रेजेंट अगर किसी ने दिया है तो उसको यूज़ ज़रूर करना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट लगा ये।
आप भी देखिए, आप ज़रूर बताएं प्लीज़ मुझे कमेंट में कि आपको ये गिफ्ट कैसा लगा। मुझे बहुत पसंद आया। ये था आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग बात जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि एक मेरे स्टूडेंट ने मुझे इतना अच्छा प्रेजेंट सेंड किया, भेजा। तो वो जो स्टूडेंट हैं, मैं आपको बता दूँ, वो यहाँ से नहीं हैं, अब वो नोएडा शिफ्ट हो गए हैं वो। तो उनका नाम है, उनका जो स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट हैं सुखजीत सिंह, जो मेरे पास स्कूल में नहीं ट्यूशन मेरे पास पढ़ते थे। उन्होंने कंटिन्यू अपना ट्यूशन प्लस वन प्लस टू मेरे पास ही पढ़ी है। सो बहुत अच्छे मार्क्स से पास भी हुए थे। तो उस टाइम उनके हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, बट उस टाइम मैंने उनको अच्छे से गाइड किया, तो वो इतने अच्छे मार्क्स से पास हुए। तो हमेशा वो याद रखते हैं, हर टीचर्स डे पे मुझे कॉल करते हैं, बट इस बार जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने मुझे इतना अच्छा प्रेजेंट दिया। सो थैंक यू सो मच। तो ऐसे स्टूडेंट्स को हमेशा याद रखा जाता है। तो आप सबके, अगर आप टीचर्स हो तो आप सबके लाइफ में भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो आपको हमेशा याद रखते होंगे। तो थैंक यू सुखजीत। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एक मोटिवेशन हमें मिलता है कि हम अपने स्टूडेंट्स को अच्छा गाइड करेंगे तो वो भी हमें हमेशा याद रखेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएँ ताकि मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे और मेरे वीडियोज़ अब डेली आपको मिलेंगे, तो आप डेली वॉच करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।